चैनल में आपका स्वागत है। मंजू जसल ब्लॉग में आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरा। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और अभी मैंने झाड़ू पोछा करके नहा के और मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये आज मैंने बनाया है चने की दाल, चने काले चने बनाया है रोटी के साथ, क्योंकि मेरे बच्चों को यही अच्छा लगता है। ज़्यादातर हफ्ते में 2 दिन तो मैं यही बनाती हूँ चने, और चीज सब्जी खाने में तो यही खाते हैं ज़्यादा। और अभी मैं खा रही हूँ रोटी, फिर करना है। कल मैंने पर्दे भिगाए थे तो पर्दे धोने हैं आज, सब पूरे बाल्टी में भिगा रखा है ऊपर वाले कमरे के, फिर उसके बाद कल परसों यहाँ के भिगाऊंगी नीचे। और मैं खा रही हूँ अभी कढ़ाई में, थोड़ा लास्ट में थोड़ा बचाया है इसमें, और जितना ज़्यादा है वो मैंने अलग रख दिया है टिफिन में, क्योंकि मुझे चने अच्छे नहीं लगते हैं और मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो खाते हैं। मैं खाली थोड़ा रोटी खाने तक ही खाती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे चने खाने। और खाते खाते थोड़ा टीवी भी देख लेती हूँ, टीवी भी देखना है आप। अभी मेरा नाश्ता हो गया और मैं थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ, फिर धोती हूँ कपड़े, थोड़ा गर्म होने देती हूँ पानी को, अच्छे से गल जाएंगे और मेला भी निकल जाएगा। अब मैं इसमें मैंने रखा है ये मलाई, तो इसका मैं मट्ठा बनाती हूँ। अभी मट्ठा नहीं मतलब इसको मट्ठा जैसा बनाती हूँ, तो मट्ठा फेंक देती हूँ तो उसमें मक्खन लगता है, तो उसको रख के घी बनाना है मैंने आज। ये हो गया, बन गया, बढ़िया सा मक्खन निकल गया ऊपर से। ये मतलब 2-3 मिनट में हो गया। ठंडा पानी डाला मैंने इसमें, और मलाई को कब से बाहर निकाल के रखा था तो ठंडा पानी डाला तो एकदम सा हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 2 मिनट में हो गया। अब निकालती हूँ इसको, फिर आज मैंने घी गरम करना है। अब मुझे मुर्गियों को खाना देना है, भात और हरी सब्जी लेके आए हूँ ये, और घास भी डाला था आज मैंने सुबह, इनको मैंने घास दिया था, ऐसे करके खा गए हैं। अब इनको भात और हरी सब्जी देती हूँ, फिर ये मैंने टमाटर के बीज रखे हैं इसको डालती हूँ, थोड़ा सूखने देती हूँ, फिर डालती हूँ गमले में, जम जाएंगे तो हो ही जाएगा। खाने लग गए भात और हरी सब्जी, खाते खाते लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा होता है इनका, ये दोनों को नहीं खाने देते हैं। इसका भी पूरा छिल दिया है ऊपर से, ये साफ करके पंख और इसके भी ऐसे ही हो रखे हैं। और काम तो हो गया, पर अब मैं धोती हूँ पर्दे, ये बाल्टी में ऐसे निकाल के फटाफट एक दो करके दो दो तीन तीन पैर से घिसती हूँ तो फटाफट साफ कर दूँगी। टाइम तो लगेगा, ये फुल बाल्टी था, अब थोड़ा कम हो गया। आ ही गए होंगे, कल शाम से भिगाया था मैंने इसको, और अभी अच्छा खासा धूप गर्म भी हो गई है, पानी भी गर्म हुआ है, और धोऊंगी। अब 8 भी बज गया करीब करीब, धुल चुके हैं पर्दे और 1 भी बज गया। अब बनाती हूँ खाना, बड़े मुश्किल से अभी धोए, और यहाँ पे शीट भी नहीं बचा। मुझे 2-3 दिन लगने वाले हैं, अभी 1 दिन का तो हो गया, 2 दिन और नीचे वाले कमरों के हैं, पूरा शीट फुल हो गया। अब कल को धोऊंगी, आज शाम को भी धोऊंगी, फिर कल को थोड़ा परसों को। अभी बच चुके हैं 1:30 और मुझे आज खाना बनाने में लेट हो गया, पर्दे धोते धोते टाइम ही ऐसे हो गया, तो मैं अभी तक तो बना लेती थी खाना। खाने को तो वो 2 बजे से आगे को ही खाते हैं, स्कूल का टाइम वही हुआ, छुट्टी का टाइम, तो आज भी उसी टाइम पे खाएंगे, 2-2.5 बजे के टाइम। तो बनाती हूँ फिर भात बना के, उसके बाद मुझे घी बनाना है। मैंने इसको ऐसे रखा था मट्ठा बना के, तो उसमें से मक्खन नहीं निकाला था, फ्रिज के अंदर ऐसे ही रख दिया था। अब मुझे इसको निकालना है, फिर कढ़ाई में डाल के फिर गर्म करूँगी घी, पहले घी गरम करूँगी, फिर उसके बाद मुझे झोली बनाना है आज भात के साथ। अब ये डब्बा भी बड़े मुश्किल से खुला, ढक्कन भाप जैसा हो गया उसके अंदर, ठंडे से मैंने मक्खन बनाया तो ऐसे ही फ्रिज में रख दिया, उसको निकाला नहीं। अब बिल्कुल उस टाइम मुझे कपड़े धोने की जल्दीबाजी हुआ था, धूप भी लगाया खूब छत में, तो मैंने सोचा फटाफट कपड़े धो के आती हूँ, फिर आराम से निकाल के फिर रखूँगी गैस में, सोचा था, पर ये थोड़ा अलग ही जैसा हो गया। अब इसमें टाइम लगने वाला है थोड़ा,
उसी टाइम फटाफट निकालती तो अच्छे से निकल जाता। अब ये सब उसमें मिक्स जैसे हो रखे हैं मट्ठा के साथ, जल्दीबाजी में ऐसे ही होता है, फटाफट करूँगी सोचा तो ऐसे ही लेट लेट काम होते रहता है मेरा। ऐसे ही भात बन गया है और अभी बन रहा है घी, फिर इसमें घी बनाती हूँ तो इसको निकाल के फिर इसी में मैं झोली बनाऊँगी। ये घी गर्म करके जिसमें घी बनाया है उसमें झोली बना के अच्छा होता है स्वाद। यहाँ पे बर्तनों का दुकान है, फिर थोड़ा थोड़ा ही बर्तन साफ करती हूँ और ये भी बन जाएगा। तब तक बर्तन साफ करते करते तो इसको हिलाना पड़ता है, जलने का डर भी रहता है, ये घुमाते रहना पड़ता है इसको। चिपकता भी है इसमें कढ़ाई में, ये पूरा काला हो जाता है फिर जल के। तो थोड़ा एक दो बर्तन साफ करती हूँ और इसको हो गया है बन गया घी। अब निकालती हूँ मैं इसमें, उस दिन का है ये, इतना ही आधा किलो का डब्बा है और इतना ही उस दिन का है ये, आज का ये है। तो मैंने 12 तारीख से लगाया था, 12 सितंबर जब से भैंस का दूध था हमारा, आज ये भरने वाला है। मतलब 12 तारीख से आज लगाओ 16, 17, 18 दिन 20 दिन कम से कम, उसमें आधा किलो हुआ है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा ये शायद आज। अभी शाम के टाइम पे तो मैं पर्दे निकालती हूँ तो सर्व में भिगा के रखती हूँ। अब आज ये डाइनिंग रूम और किचन के हैं, फिर 2 दिन के लिए और बचे। आज ये हैं, इनको भिगाती हूँ। अभी 5:30 बजे हैं तो मैंने निकाल दिया इनको, अब इनको भी भिगा के रखती हूँ, तब कल धोऊंगी बढ़िया करके फुल बाल्टी करके। कितने सारे कपड़े भी हैं, कल तो शनिवार के दिन। इनको भी उठाते हूँ, अभी फोल्ड करके रखूँगी उठा के, फिर कमरे में झाड़ू लगाऊँगी, ऊपर से जाले हाले झाड़ने हैं, उसके बाद जाले झाड़ के फिर लगाऊँगी इनको कल परसों, 2-4 दिन में। अभी 3-4 दिन तक से रखती हूँ इनको फोल्ड करके। अब थोड़ा हरी सब्ज़ी तोड़ लेती हूँ, कल को तोड़ूँगी सोचा, नहीं तोड़ा फिर अंधेरा हो गया था, तो आज तोड़ लेती हूँ अभी से। टाइम भी ऐसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है दिन का, इतने छोटे दिन हो रहे हैं, चलते चलते पूरा दिन चले जा रहा है। और ये मुर्गियों का लड़ाई कंटिन्यू है, किनारे किनारे के पत्तियाँ तोड़ती हूँ, कोई कीड़े लगे हैं उनको मुर्गियों को दूंगी खराब पत्तियाँ, जो ठीक ठाक है वो हम खाएंगे, जो ऐसे हो रखे हैं खराब वो इनको दे दूंगी, ये मुर्गियों को, इनके लिए भी चाहिए ही थोड़ा हरी सब्जी। सब तोड़ती हूँ और आते हैं नीचे से पत्तियाँ, ज़्यादा घने भी हुए हैं ये, छोटे छोटे में ऐसे डंठल जैसे हो रहे हैं, इसमें भी खूब घने हुए हैं, उखाड़ने जैसे तो नहीं लग रहा ये। इसको मैं अभी ऐसे ही तोड़ती हूँ, दूसरे में इधर उधर करूँगी थोड़ा निकाल के, बीच बीच से दूसरे में लगाऊँगी किसी में। कीड़े भी दिख रहे हैं बड़े लंबे लंबे है, कहीं कहीं कीड़े भी होंगे शायद, दवाई तो छड़ा था मैंने उस दिन, तो 1-2 दिन में लगे जाते होंगे। हो गया एक सब्जी के लिए और है, तो कल परसों 2-4 दिन में और हो जाएंगे थोड़े बड़े, तो सब एक साथ ही तोड़ूंगी। 3 बार खा दिया जब से ये हुआ है हरी सब्जी। अभी शाम के टाइम पे आ गई दूध लेके घर, अंधेरा भी हो गया तो अब मछलियों को खाना देती हूँ, अंधेरा होते समय शाम के टाइम पे मछलियाँ भी इंतज़ार करते हैं सुबह और शाम। पहले मुझे उबालना है दूध, छन्नी से छान के डालती हूँ इसमें, और थोड़ा सा दही बनाने के लिए इसमें रखती हूँ, ये कल का है, कल को थोड़ा उबाला था और ज़्यादा ऐसे में था ये, तो इसमें थोड़ा और मिलाती हूँ। दही पीते हैं ज़्यादा खूब, दही मट्ठा
तो इसको दही जमाने के लिए रखेंगे। और ये हो गया गर्म करने के लिए। फिर ये लेके आई थी, इनको धो के रखती हूँ और इसको काटना है। और कल सुबह के लिए भी सब्ज़ी काटूँगी, बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ आज कल सुबह के लिए। अच्छा ही होता है। आज कल मंगू का इसको नहीं है, मंगू नहीं खाता ऐसे सब्ज़ियाँ, तो इसका छुट्टी है कल। आजकल पेपर चले हैं तो एक दिन छोड़ छोड़ के हो रहा है इसका। तो अब मुझे रोटी और सब्ज़ी बनाना है और 7:30 हो गए हैं, टाइम का कोई पता नहीं चलता है, तब तक ठीक ही होगा सब्ज़ी रोटी बनाने तक, 8-9 बजे जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर लूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।